ગુરુ ભગવાનને કીધું સંસ્કાર આપવાનું કામ સમાજને આજે જે અપડેટ થવાની આપણે વાત કરી તમે કદાચ 100 જણા સુધી પહોંચી શકીએ પણ એ મૂવીના માધ્યમથી હજારો એક તાળીનો એક ફરી એક વાર એ ગંગળાટ થઈ જાય આખી ટીમ માટે અને સંસ્કાર સિંચન માટે જે પણ એમનો ભગીરથ પ્રયાસ છે એમને ખૂબ જ સફળતા રહે એવી પ્રભુને પ્રાર્થના તમને ભૂલ મહારાજ જી કા આશીર્વાદ મિલા बहुत सारी बातें गुजराती में हो रही थी जो पूछते हैं कुछ सॉन्ग भी नहीं है आप जरा बताना चाहते हैं स्वामी जी ने गुरु जी ने किस तरह से आशीर्वाद दिया आप लोगों को आपकी अपनी फिल्म के लिए मैं धन्यवाद जी स्वामी जी ने सर्वप्रथम तो मैं पहले इंट्रोड्यूस करता हूँ फिल्म के लेखक हैं प्रवीण सोलंकी नट सम्राट फिल्म के दिग्दर्शक निर्देशक हैं जैन गिलाटर साहब और निर्माता हैं राहुल जी किधर हैं इधर ये राहुल जी हैं आज हम यहाँ मुनिश्री के महाराज साहब के आशीर्वाद लेने यहाँ आए थे हमारी फिल्म जो है नट सम्राट गुजराती में तो वो फिल्म के विषय में तो प्रवीण भाई बहुत अच्छी तरह से फिल्म क्या है किस प्रकार से लिखी गई है महाराज श्री ने ये कहा कि आजकल जो संबंध जो हैं माँ बाप के संतानों के अपने साथ कि सभी संबंध जो हैं वो स्वार्थ से भरपूर होने लगे हैं तो वो क्यों हुए हैं किस लिए हुए हैं वो तो हर एक संबंध के अपने अपने दायरे होते हैं उस हिसाब से बट उन्होंने ये कहा कि ये फिल्म हर माँ बाप ने हर संतानों ने अपने साथ बैठकर देखनी चाहिए और ऐसी संस्कारी फिल्म आप बनाते रहिए ताकि लोगों तक वो मैसेज भी पहुँचे तो महाराज श्री ने हमें आशीर्वाद भी दिया और नट सम्राट जो फिल्म है उसमें जो काम करने वाले कलाकार हैं सिद्धार्थ रांदेरिया गुजराती नाट्य जगत के बहुत ही सीनियर मोस्ट कलाकार हैं यशस्वी कलाकार हैं और उनकी पत्नी का रोल जो निभा रही हैं वो है दीपिका चिकलिया जी जिन्होंने रामायण में सीता की भूमिका निभाई थी बहुत ही मतलब ये ऐसे लेजेंडरी पर्सनालिटी हैं अंदर मैं भी एक रोल अंदर कर रहा हूँ वो सिद्धार्थ जी जो पात्र निभा रहे हैं उनके मित्र का पात्र है और माधव नाम है मेरा उस पात्र का और सच्चा दोस्त और दोस्त भी कैसा हो सकता है जीवन में तो बहुत सारी ये कहानी के विषय में तो प्रवीण जी कहेंगे बट एक निश्चित रूप से कहूँगा कि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री का जो स्वरूप पिछले 3 साल में बदल रहा है जिस प्रकार से बदल रहा है उसमें ये जो नट सम्राट फिल्म है वो घर घर में हर तबके के लोगों को हर एज ग्रुप के प्रेक्षक को ये फिल्म बहुत ही अच्छी लगेगी और ये फिल्म में से वो घर तक कुछ डेफिनेटली लेकर जाएंगे और वो उनके मन में तो रहेगी उनके मस्तिष्क में भी रहेगी और वो और लोगों को भी बोल पाएंगे कि आप जाके देख कर आइए तो इस प्रकार की फिल्म बनी है ये नहीं कि मैं 120 फिल्मों में काम कर चुका हूँ आज तक लेकिन गुजराती मेरी मातृभाषा है और मेरी मातृभाषा की फिल्मों में मैं हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेता हूँ साल में मिनिमम एक फिल्म ज़रूर करूँगा ऐसा प्रण लिया है और मैं वो करता रहता हूँ मैंने तीनों भाषा में काम किया है मराठी गुजराती हिंदी और तीनों माध्यमों में काम किया है चाहे वो रंगमंच हो सीरियल हो या फिल्म हो लेकिन गुजराती फिल्म इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ रही है गुजराती फिल्म इंडस्ट्री का जो दायरा है वो विश्वव्याप्त है मतलब पूरे वर्ल्ड में गुजराती कोने कोने में बसता है लेकिन वहाँ तक चैनल पूरा नहीं हुआ है और उसकी भी शुरुआत थोड़ी बहुत हो चुकी है तो ये नट सम्राट जो फिल्म है वो निश्चित रूप से लोगों को मतलब हर भाषा के लोग देख सकते हैं मतलब फिल्म में एक भाषा का दायरा नहीं होता मराठी फिल्में भी हिंदी लोग देखना चाहते हैं जाते हैं हम भी साउथ इंडियन फिल्में देखते हैं तो किसी भी भाषा का प्रेक्षक जो है वो ये फिल्म ज़रूर देख सकता है
और उसके मन को और उसके दिमाग को डेफिनेटली ये छूकर ही रहेगी, इसमें कोई शंका को स्थान नहीं। तो बहुत ही अद्भुत फिल्म बनाई है, जैन गिलाटर साहब ने बहुत अच्छा दिग्दर्शन किया है, प्रवीण सोलंकी जी उन्होंने आज तक 210 नाटक लिखे हैं खुद, और ये फिल्म के लेखक भी वही हैं, और राहुल सुगंध जी सुगंध परिवार से हैं, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने दी हैं हिंदी में कि मतलब क्या कितनी फिल्मों के नाम गिनाऊँ, उसमें रंगीला है, सरकार है, तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन का रक्षण का अनुभव कुटुंब में ही है, तो ऐसी जो भट्टी है वो अच्छे तरीके की जमी हुई है, और इसलिए इसमें कोई भी अंदर का जो भाग है, चाहे वो सेट डिज़ाइन हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो अभिनय का क्षेत्र हो, चाहे वो राइटिंग पार्ट हो, सभी अंगों से परिपूर्ण ऐसी फिल्म बनी है, और डेफिनेटली गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में ये एक मोरपीच का स्थान धारण करेगी, ऐसा हमें लगता है। और प्रेक्षकों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आज गुरुजी के आशीर्वाद भी मिले हैं महाराज साहब के, प्रेक्षकों से आह्वान करना चाहता हूँ कि ये नट सम्राट जो फिल्म है वो थिएटर में जाकर देखें, और न उसकी पायरेसी को बढ़ावा देने का कोई भी काम, न गुजराती फिल्म किसी भी फिल्म को वो पायरेटेड वर्जन में न देखे, क्योंकि आप सिर्फ आप 5 रुपये में या 15 रुपये में फिल्म देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ में करोड़ों का नुकसान प्रोड्यूसर का तो होता ही है, पर साथ में पूरी इंडस्ट्री को करोड़ों का नुकसान होता है, उसमें काम करने वाले हर एक कलाकार, हर एक तंत्रज्ञ का वो नुकसान है, ये पहले मानिए। इसलिए पायरेटेड चीज़ों को बिल्कुल अपने जीवन में स्थान न दें, अपने मोबाइल में भी स्थान न दें, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। और नट सम्राट फिल्म ज़रूर अवश्य जाकर थिएटर में देखिए, आपको बहुत भाएगी। थैंक यू एंड आई विल हैंड इट ओवर टू जी। अच्छा अच्छा देखिए, ये कहानी विवा शिरवाड़कर जी की, नट सम्राट मराठी नाटक था पहले, बाद में मैंने उसका आज से 30 साल पहले गुजराती नाटक किया था, हमारी दुनिया तुम्हारी दुनिया, मराठी भी नाटक हुआ, मराठी भी यानि नट सम्राट। ये कहानी सिर्फ विवा शिरवाड़कर भी रिलेटेड नहीं है उसके साथ, विवा शिरवाड़कर जी ने भी कहा कि मैंने ये शेक्सपियर के 2 नाटक मिक्स किए हैं उसमें, शेक्सपियर के 2 नाटक, यानी जो भी हो, लेकिन इतना अद्भुत मिश्रण हुआ है ये नट सम्राट का कि कई भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हुआ है, कई भाषाओं में। पहली बात ये है कि ये जो फिल्म मराठी में हुई और गुजराती में फर्क क्या है दोस्तों, गुजराती और मराठी, क्योंकि फर्क बहुत कम है, एक बिटवीन द लाइन्स है, क्यों कि जो कहानी है वो तो वही की वही है, कहानी एक ही है, लेकिन जो उसका मेकिंग है, परफॉर्मेंस है, गुजराती के 2 दिग्गज ये मनोज जोशी और सिद्धार्थ रांदेरिया, कभी मैंने मेरे ख्याल से गुजराती में तो आप दोनों ने साथ में फिल्म में पहली बार काम कर रहे हैं, तो लोगों को एक रस है कि ये इंटरेस्ट है कि ये दोनों साथ में मिलके क्या करेंगे। और ये आमतौर पर क्या होता है कि जब भी कोई कहानी, वो परंपरागत कहानी है, उसमें कुछ नया नहीं है, सुनो, जो अभिव्यक्ति है वो नहीं है, एक एक्टर के माध्यम से जीवन का फलसफा दिखाया है, और उसका मेन मीनिंग क्या है वो 4 लिटी में मैं आपको बताऊँ कि हाथी को नहीं कहना पड़ता कि तू हाथी बनना, सिंह को नहीं कहना पड़ता कि तू सिंह बनना, वाघ को नहीं कहना पड़ता कि तू वाघ बनना, लेकिन एक आदमी को ही क्यों कहना पड़ता है कि तुम आदमी बनना, ये बड़ी चीज़ है, आदमी बनने की बात, मानसाई की बात, मानवता की बात, स्वार्थ संबंधों की बात, यानि ये फिल्म ऐसी है कि सिर्फ कानों और आँखों से नहीं, दिल तक पहुँचनी चाहिए, और पहुँची है, ये मेरा दावा है, ये फिल्म चलेगी, ज़रूर चलेगी। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको इस बारे में बता दूं कि नट सम्राट मराठी का रीमेक नहीं है,
नट सम्राट एडेप्टेशन है, गुजराती नट सम्राट मराठी फिल्म का एडेप्टेशन है, इट्स नॉट रिमेक। बहुत सारे लोग साउथ की फिल्मों का रिमेक करते हैं तो हूबहू सीन वैसे ही होता है, कैरेक्टर्स वैसे होते हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि मराठी नट सम्राट और गुजराती नट सम्राट में बहुत बहुत फ़र्क हो, उसकी सिर्फ आत्मा हमने ली है। प्रवीण भाई ने उसकी पटकथा, उसके जो स्क्रीन प्ले है, जो गुजराती ऑडियंस को जो चाहिए, आप देखेंगे तो गुजराती ऑडियंस बहुत ही आउटस्पोकन है, बाहर घूमना पसंद करती है, उनको रोना धोना पसंद नहीं है। गुजराती ऑडियंस को खुशी चाहिए, होप चाहिए, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फिल्म को लिखा और उसी हिसाब से हमने इस फिल्म को शूट किया। दूसरी बड़ी बात यह है कि जैसे मराठी में दो दिग्गज कलाकार थे, नाना वाडेकर एंड विक्रम गोखले, सेम यहाँ पर भी गुजराती के आज दो जो दो सुपरस्टार हैं, मनोज भाई और सिद्धार्थ भाई, वो दोनों साथ में आने का मतलब ये बहुत बड़ा मौका है ऑडियंस के लिए भी कि इन दोनों को साथ में पहली बार देखेंगे। गुजराती में आज तक ऐसा हुआ नहीं, मराठी में ऐसा बहुत बार हुआ, हिंदी में बहुत बार हुआ कि दो बड़े सुपरस्टार साथ में आए, बट गुजराती में पहली बार होने जा रहा है। और इसके लिए मैं डेफिनेटली मेरे प्रोड्यूसर मिस्टर राहुल सुगन और मेरे मित्र मेरे भाई मनोज जोशी, इन्होंने हाँ बोला कि मैं इस फिल्म में काम करता हूँ। और आप देखेंगे कि मनोज भाई ने जो फिल्म में काम किया है, पहली बार आप मनोज भाई को एक अलग रूप में देखेंगे, तफावत बहुत सारी है इस फिल्म में। तीसरी बड़ी बात हमारे पास है कि दीपिका जी जो रामायण में सीता बनी थी, वो 25 साल बाद इस फिल्म में रीइंट्रोडक्शन हो रहा है उनका। और कुछ ऐसे लोकेशंस है जो गुजराती ऑडियंस ने भी नहीं देखे कभी, हिंदी में भी नहीं आए, ऐसे कुछ लोकेशंस पर जाकर हमने शूट किया हुआ है। देखिए पिक्चराइजेशन और विजुअलाइजेशन की बात तो ऐसे है कि जैसे हमने स्क्रिप्ट रीमेक राइट्स लिए थे, अडेप्टेशन के राइट्स लिए थे, फिर प्रवीण भाई के पास गए, बात की सारी, तो राहुल जी और उनके पिताजी जो है हरीश जी, उन्होंने बहुत सारी सुपर डुपर हिट फिल्म बनाई और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उन्हीं को है, हमारे यहाँ पे हम जितने भी बैठे उनको, उन्होंने कुछ कास्टिंग में बात की, कुछ किया, सिद्धार्थ भाई का नाम आया, मनोज जी का नाम आया कि ये दो कलाकार जो है, ये दो कलाकार साथ में एक साथ दिखाई देंगे। और आज ये दो कलाकार के ऊपर गुजराती में और कोई कलाकार अभी है नहीं, तो जो दो बेस्ट है वही इस फिल्म के लिए चाहिए थे, इसलिए हमने जो दो बेस्ट है उन्हीं को चुना। नहीं, मैंने मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने वो फिल्म नहीं देखी, मैं नहीं देख पाया राजा, पर उस फिल्म के बारे में काफ़ी सुना है। डेफिनेटली महेश मांजरेकर जी ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था, नाना पाटेकर ने नट सम्राट का रोल किया था, और जिनको मैं पिता तुल्य मानता हूँ और मेरे आदर्श रहे हैं, ऐसे विक्रम गोखले जी का ही रोल, मतलब जो रोल उन्होंने किया है उसी जॉनर का वही रोल रादर मैं कर रहा हूँ इस फिल्म में। तो दूसरी बात एक की नट सम्राट नाटक मैंने दोनों का देखा है, यशवंत दत्त जी का भी देखा हुआ है और लागू साहब का भी देखा हुआ है, नट सम्राट नाटक मराठी, मैं मराठी थिएटर भी कर चुका हूँ। तो जैसे प्रवीण जी ने भी कहा कि ये किंग लियर और हेमलेट ये दोनों नाटकों का सार जो है या उसका जो सोल है वो लेकर शिरवाड़कर साहब ने इसे बहुत अद्भुत तरीके से, जिसको कहते हैं कि भारतीयता, उसको देने की कोशिश उसने की। और उसके बाद 30 साल पहले प्रवीण जी ने तो बहुत सारे नाटक लिखे हैं, 210 नाटक लिखे हैं गुजराती में, तो उन्होंने जब हमारी दुनिया तुम्हारी दुनिया 30 साल पहले बनाया तब पता नहीं था कि इस पर फिल्म भी बनेगी। तो चूंकि ये आई नट सम्राट फिल्म, और देखो मराठी और गुजराती दोनों भगिनी भाषा हैं, और आदान प्रदान जो है वो आज से 175 साल पहले से ही आदान प्रदान हो रहा है दोनों भाषाओं में, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो जैसे संगीत नाटक वहाँ इंट्रोड्यूस हुआ,
पारसी रंगभूमि से मराठी में भी, तो गुजराती में भी संगीत नाटक इंट्रोड्यूस हुआ। मामा वरेरकर साहब के प्लेस भी होते थे, कई प्लेस नाटक भी गुजराती भाषा में हुए। तो ये आदान प्रदान वर्षों से हो रहा है। तो मैं इतना कहूँगा कि जिस समय इतने महान कृति को जब फिल्माया जा रहा है, ऐसा विषय जब मेरे पास आया और इतने दिग्गज कलाकारों का परफॉर्मेंस मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, तब जाके एक मन पर भी थोड़ा दड़पन रहता है कि इसको कैसे निभाएंगे, क्या करेंगे। बट करते समय बड़ा आनंद आया जब इस ये भूमिका मेरे पास लेकर आए, तब मैंने कहा ठीक है, जैन भाई के साथ मैं 2-3 फिल्में कर चुका हूँ और मैंने कहा ये बहुत बड़ी चीज़ है गुजराती के लिए, तो मैं निश्चित रूप से काम करूँगा। और काम करने का बहुत मज़ा आया, जो भी 12-15 दिन मैंने काम किया, और आप जब पर्दे पर देखेंगे तो निश्चित रूप से आप, मैं ही मेरे काम के लिए क्या बोलूँगा, बट निश्चित रूप से आनंद आएगा, इसमें कोई शंका को स्थान नहीं, क्योंकि विषय इतना महान है, उसकी लिखावट इतनी महान है, और काम करने वाले कलाकार मेरे जो दिग्गज कलाकार हैं साथ में सारे, तो सब कुछ, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक अच्छी थाली है, 5-स्टार थाली है, कथा अच्छी है, उसका सब्सटेंस अच्छा है, उसका सोल अच्छा है, तो सिर्फ ये पिक्चर एक बार देखने से मन नहीं भरेगा, लोग बार बार ये फिल्म देखने को जाएंगे, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें जीवन है, फिल्म लाइफ, फिल्म में लाइफ है, और ये ज़रूर फिल्म लोगों को अच्छी लगेगी। दीपिका जी ने सबसे पहले तो ये कहा कि चेंजेस क्या क्या हुए, क्या हम फ्रेम टू फ्रेम सेम टू सेम बना रहे क्या। जब मैंने उनको चेंजेस बताए, उनके जो 2-3 सीन जो प्रवीण भाई ने लिखे जो मराठी में नहीं है, जो गुजराती में है, वो जब मैंने उनको सुना है वो बहुत खुश हो गए, बोले ये सीन आप रखेंगे, बोला हाँ ये सीन हम रखेंगे। उसके बाद उन्होंने मराठी फिल्म देखी, फिर मेरा स्क्रीन प्ले जो प्रवीण भाई ने लिखा था वो पूरा स्क्रीन प्ले हमने उनको सुनाया, उसके बाद उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया कि नहीं मैं ये फिल्म करूँगी। आपने ये फिल्म डायरेक्ट करने से पहले खुद नट सम्राट कितनी बार देखी? सर मैंने एक ही बार देखी थी, हाँ फिल्म जब रिलीज़ हुई थी तब मैंने गोरेगांव में PVR में जाकर देखी थी, एक ही बार देखी थी। उसके बाद मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैंने एक बार भी वो फिल्म वापस देखी नहीं, क्योंकि मैं उस फिल्म के भाव में नहीं जाना चाहता था। वो एक क्लासिक फिल्म है, महेश मांजरेकर जी ने बहुत क्लास फिल्म बनाई, नाना वाडेकर जी ने, विक्रम जी ने, उसको मैं टच नहीं कर सकता, मेरी कोई औकात नहीं है। बट गुजराती ऑडियंस के लिए एक गुजराती फिल्म मुझे बनानी थी, और नट सम्राट अगर मेरी भी मातृभाषा गुजराती है, और प्रवीण सर, मनोज भाई, सिद्धार्थ भाई, इन सबके साथ मिलकर अगर मुझे मौका मिल रहा है इस फिल्म में करने का, तो मैंने इस वजह से हाँ बोला कि मैं ये फिल्म करूँ। नहीं, ये इनका बहुत बड़प्पन है, इज़ वेरी डोसाइल, बट ही इज़ अ वेरी फाइन टेक्नीशियन, वेरी गुड डायरेक्टर, और मैं मेरे ख्याल से 4th फिल्म की है, नट सम्राट इज़ 4th फिल्म इनके साथ, ये इनका बड़प्पन है। आप जो फिल्म देखेंगे तो मैं आपको एक बात बता दूँ, फिल्म इंडस्ट्री में कोई एक्टर, जिसको मैं एक्टर नहीं कहूँगा, मेरा भाई कहूँगा, मेरा मित्र कहूँगा, मैंने जब भी कोई भी फिल्म के बारे में इनके साथ बात की है, इन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू हिम। मीडिया पार्टनर में हमारे साथ नीलेश दवे जी है, मुंबई समाचार के चीफ एडिटर है, वो हमारे साथ डिजिटल पार्टनर है, प्रिंट पार्टनर है इस फिल्म में। उसके बाद ड्रीम वर्ड सोल्यूशन से हमारे साथ डिजिटल पार्टनर दिव्या भास्कर है, हमारे साथ मीडिया पार्टनर, और कौन, PTM है, PTM सोल्यूशन वाले हैं। जरूर, क्योंकि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री जो है अपने पैरों पे अभी खड़ी हो रही है, पिछले कुछ सालों से गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है। नट सम्राट इसमें एक सीमा चिन्ह रूप फिल्म होगी, जो गुजराती में ऐसा कहा जाता है कि कुछ कॉमेडी फिल्में ही चलती है या ड्रामा वाली ही चलती है, उसको जो कहावत है उसको तोड़ने के लिए नट सम्राट मैं मानता हूँ, इसीलिए हम इस साथ जुड़े हुए, क्योंकि ये एक क्रिएशन है मराठी से लिया हुआ, एक थॉट मराठी से लेकर उसको गुजराती भाषा में बड़ा करना,
ये थोट के ऊपर इन्होंने काम किया है। बहुत ही अद्भुत, प्रवीण भाई से हमारे संबंध बरसों जुने हैं, जयंत भाई ने भी अच्छी फिल्में बहुत सी दी है, तो ज़रूर से ये फिल्म गुजराती सिनेमा का इतिहास बदलने का काम करेगी। गुजराती फिल्मों का ट्रेंड इस तरह से बदला है कि अब गुजरात को छोड़ के बाकी के स्टेट में भी गुजराती जहां रहते हैं वहां फिल्में देखी जा रही हैं। महाराष्ट्र में, मुंबई में खासकर जो संस्थाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों को इनकरेज कर रही है, अच्छा मार्केट बन रहा है गुजराती के लिए। मे बी मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये पहली गुजराती नट सम्राट फिल्म है जो ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज हो रही है, मतलब सेकंड वीक और थर्ड वीक में कोई कोई फिल्में रिलीज हुई है, बट नट सम्राट एक ऐसी फिल्म है जो 30 अगस्त को 30 अगस्त को एक साथ इंडिया में और ओवरसीज में, यूके, यूएसए, कनाडा, यूएई, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों में रिलीज हो रही है एक साथ। सर प्रमोशन का अभी जैसे 22 तारीख से हमारा प्रमोशन शुरू हो जाएगा, 22 से लेके 31 तारीख तक हमारा प्रमोशन है, अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। 22 तारीख को हम एक गुजराती चैनल है कलर्स का, उनके एक सीरियल में हम इंटीग्रेशन करें। 23 तारीख को हम प्रवीण जी को जो सम्मान किया जा रहा है, 201 नाटक उन्होंने किया, उनके यहाँ हमारा प्रमोशन शुरू होगा। 24 तारीख से लेके 30 तारीख तक हम पूरे गुजरात में घूमने वाले हैं। कि नट सम्राट फिल्म गुजराती फिल्म की एक सीमा चिन्ह फिल्म आप ज़रूर देखिए और परिवार के साथ जाइए और थिएटर में जाकर ये फिल्म देखिए, आपको ज़रूर अच्छी लगे। यहाँ पे नट सम्राट गुजराती जो फिल्म है उसकी पूरी टीम आई हुई थी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, आपने गुजराती में उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद दिया, मुझे गुजराती थोड़ी कम समझ में आती है, अगर आप हिंदी में हमें बताएं कि आपने उनसे क्या कहा या किस तरह से आशीर्वाद दिया तो बहुत बेहतर होगा हमारे लिए। हमने ये जो नट सम्राट गुजराती में पिक्चर जो रिलीज़ होने जा रहा है उसके लिए हमने यही बात करी कि उसके पहले भी हिंदी में पिक्चर, मराठी में पिक्चर बाहर पड़ा हुआ है और इसके बाद गुजराती में सही लोगों को मार्गदर्शन मिले, संस्कार मिल सके, इस संस्कार से लोगों को, अच्छे लोगों को परिवर्तन हो सके। अभी संस्कार की जरूरत है, लोगों को संस्कार भूल चुके हैं, वो लोगों के दिमाग में उतर सके, इसीलिए ये नट सम्राट गुजराती पिक्चर द्वारा लोगों के जीवन के अंदर संस्कार आ सके, यही माध्यम उनको हमने आशीर्वाद दिया है कि एक एक आपका भाग है, ये संसार में अपन जन्म लिया है, ये सब नाटक है, पिता है, पुत्र है, माता है, बहन है, भाई है, भाभी है, ये सब एक नाटक का रोल है, तो ये कर्म करने का आपको एक मिला है, इस कर्म के द्वारा यहाँ ऐसे ऐसे कर्म करने, ऐसे अच्छे कर्म करने हैं, उस कर्म को आपको यहाँ से कर्म कम करके, ये स्वार्थ पूर्ति कम करके और जीवन को धन्य बनाने के लिए ये मार्गदर्शन संस्कार द्वारा मिलता है, ये पिक्चर द्वारा। आजकल लोग हमको प्रवचन सुनने आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग 2000-3000 लोग आएंगे प्रवचन सुनने के लिए, पर एक आपका ये सोशल मीडिया, आपका ये मीडिया पिक्चर द्वारा हज़ारों लोगों को सुन सके और उनको मार्गदर्शन मिल सके और उनके जीवन के अंदर संस्कार आ सके, यही हमने उनको आशीर्वाद दिया है कि जीवन के अंदर परिवर्तन आवे और संस्कार आवे, यही हमारा आशीर्वाद दिया है। शायद नट सम्राट जैसी फिल्में बनाने की जरूरी जरूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि हमारे परिवारों में, हमारे परिवार के सदस्यों में प्रेम कम हो गया है, ये एक बड़ी बात है। हाँ, मेरे गुरुदेव प्रेमेश्वरेश्वर जी महाराज साहब, तपा के अच्छाधिपति प्रेमेश्वरेश्वर जी महाराज साहब, उनकी उम्र 97 उम्र थी उनकी, उनके गुरुदेव का कालधर्म हुआ उसको 2 साल हो चुके हैं, उनकी गुरुदेव की एक ही भावना थी, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, ये गुरुदेव की भावना थी और जब से गुरुदेव गए तब से मैंने मन में ठान लिया है कि गुरुदेव आपकी जो इच्छा है हम वो पूरे करेंगे। जब से गुरुदेव गए तब से 2 साल से हमने गुरु प्रेम मिशन का नाम से एक कार्यक्रम चालू किया, एक लॉन्च करने जा रहे हैं, उस कार्यक्रम में आगे बढ़े हैं और तब से मानव सेवा का कार्यक्रम के लिए 2 साल के अंदर कम से कम 150-200 करोड़ रुपये हमने मानव सेवा के पीछे लगाए हुए हैं, वो पानी का पूर्व राहत हो या किसी भी कोई भी काम का राहत हो, अभी भी जैसा चल रहा है केरल में वहाँ भी हमने अभी 10-15 लाख रुपये हमने भक्तों द्वारा, गुरु मिशन मिशन द्वारा हमने वहाँ पैसे भेजे हुए हैं और वहाँ लोगों के लिए खाना भेजा हुआ है। ये हमारे गुरुदेव की भावना थी कि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है और मानव के लिए हर ज्ञान बढ़े, उनके अंदर संस्कार आवे, उनके अंदर जीवन के अंदर हिंसा दूर हुए, उनके अंदर प्रेम भाव बढ़े, यही हमारे गुरुदेव की भावना है। ये मानव सेवा द्वारा, ये मानव सेवा गुरुदेव की भावना थी और हम गुरु मिशन द्वारा ये कार्यक्रम हम हर जगह, हर हिंदुस्तान के अंदर कार्यक्रम करना चाहते हैं और उस
आपके मीडिया द्वारा सबको पहुंचाना चाहते हैं कि मानव सेवा करनी जरूरी है और ये गुरु मिशन हमारा ये काम करने जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसके लिए खूब प्रगति कर रहे हैं, उसी लिए हमें खूब खूब आशीर्वाद दिया है और आप लोगों को भी खूब खूब आशीर्वाद दें। गुरु जी, जो गुरु मिशन है, जो संस्था है, ऐसे ही मेरे गुरुदेव की भावना थी, अभी वो मानव सेवा बात उसके साथ अभी में हम टूल समय में वो कार्यक्रम होने जा रहा है। मार्च महीने में गुरुदेव को शताब्दी वर्ष की शुरू होने जा रहे हैं, उस समय बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है मैंने, जो खेडूत अपघात करके मर रहे हैं उनके लिए, गायों के लिए, पानी की परब और जीव दया के लिए, और अभी हम जो काम करना चाहते हैं उसी चीज़ में हम आगे बढ़ेंगे। मार्च महीने में 2019 के अंदर 20 मार्च से लगा के 24 मार्च में बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा, हम पूरे जैन 5 लाख जैन इकट्ठे होकर ये कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, इसके अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है, आप इसमें सब जुड़िए और मानव सेवा के साथ और साथ जीवदया का काम और हर चीज़ के कार्यक्रम के लिए, स्कूल के लिए, पढ़ाई के लिए, हॉस्पिटल के लिए, हर चीज़ के लिए हम आगे बढ़ने चाहते हैं इस काम में लिए, और आप लोगों का पूरा पूरा सपोर्ट चाहिए और यही लोगों को मार्गदर्शन देना चाहते हैं हम। गुरुदेव की भावना थी, जब आप पावरफुल होंगे इसी चीज़ से, तो आज इस अभी सबसे चीज़ लोगों की दो चीज़ की जरूरत है, सबसे चीज़ की जरूरत लोगों की जरूरत है, एक हॉस्पिटल और एक पढ़ाई, दो चीज़ बहुत महंगी हो चुकी है, उस लोगों के तक पहुंच सके और हम गुरु मिशन मिशन द्वारा वहाँ पहुंचा सके, ऐसे हम आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा देते जा रहे हैं। गुरु जी, जब आप सत्संग में होते हैं, बहुत सारे लोग आते होंगे आपके पास अपनी छोटी 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 बड़ी समस्याएं लेके आते होंगे, परिवार की समस्याएं भी लेके आते होंगे, जो विषय पर आज हमारा सिनेमा आधारित सम्राट, तो आप उन्हें क्या कहते हैं? जैसे बेटे पिता की बात नहीं मानते, पुत्र मानते नहीं है, बेटियां अलग राहों पर जा रही हैं, उन्हें कैसे आप समझाते हैं, उन परिवारों की समस्याओं को कैसे दूर करते हैं? हम एक ही समस्या, आज मैंने प्रवचन में गुजरात में बोला था, जिस पत्नी घर के अंदर पत्नी और माँ जिसका बहुमान नहीं है, उस घर के अंदर लक्ष्मी का वास नहीं रहता है, उनको पहली सीधा आज हर व्यक्ति लक्ष्मी के पीछे पैसा पीछे पागल के जैसा दौड़ रहा है, पर घर के अंदर घर की लक्ष्मी है उसको खुश नहीं रखता है, उसको उतार देता है बार बार, और माँ को और पत्नी को परिवार को खुश रखेगा उसके अंदर घर में का लक्ष्मी का वास रहता है, यही हम अलग अलग एंगल से उसको समझाते हैं। ऋषि मुनियों ने शुरू से ही हमारे देश को, भारत देश को उनका मार्गदर्शन किया है, लोगों को सही राह दिखाया है, आज के समय में, आज के इस वक्त में, इस दौर में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? इंसानियत को, मानव का हो। मैंने पहले ही बोला, अभी और बोल रहा हूँ, अभी इंसान को खाने के लिए मिल जाएगा, अभी हॉस्पिटल और पढ़ाई दो चीज़ बहुत महंगी हो चुकी है, आदमी खाने के लिए कुछ भी खा सकता है, पेट भर सकता है, पर ये दोनों चीज़ें बहुत महंगी पड़ रही है, तो उन लोगों के लिए जितना बने उतना सहाय करें, मदद करें, हर संस्था, हर ट्रस्ट, हर व्यक्ति उसके लिए, अपने समाज का हो, अपने साथ का हो, अपना फ्रेंड हो, अपना दोस्त हो, अपना ग्रुप हो, कोई भी हो, उसको ये दोनों चीज़ में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करें, तो हर व्यक्ति खड़ा हो सकेगा और वो आज व्यक्ति को अपन सपोर्ट करेंगे, कल वो व्यक्ति को ऐसी प्रेरणा दे वो दूसरे दो व्यक्ति को सपोर्ट करे, तो सारे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी गरीबी नहीं रहेगी और पढ़ाई हर बच्चा कर सकेगा और हर घर के अंदर से बीमारी दूर हो सकती है। शुक्रिया गुरु जी, धन्यवाद।